मैं मिन्हास भारती, आम आदमी करे पुकार सलाहकार। अभी मैं रामपुर सरपंच साहब के साथ बैठा हुआ हूं और मैं यहां जानने आया था कि ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से अभी तक जो बाढ़ का जो 6000 रुपीज जो जीआर राशि आता है अभी तक आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोगों के खाते में नहीं आया है। क्या सर आपको क्या लगता है ऐसा क्या रीजन है, किस क्योंकि हर बार तो ऐसा होता है कि पैसे अकाउंट में आ जाए करते हैं, इस बार ऐसा क्या हुआ और ऐसा कौन कौन सा पॉइंट है जो फुलफिल नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, इस बार हमारे बिहार में राजनीतिक जो उथल पुथल हो रहा है ना, सरकार अभी अपने सरकार बनाने में लगे हुए हैं, कोई मिशन में लगे हुए हैं, तो कोई एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए, तो पब्लिक तो वहां बुड़ेगा ही ना जी। बिहार सरकार को अभी बिहार की जनता पर कोई ध्यान नहीं है, ये सीधा क्लियर कट है जी। बाढ़ आई, माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार गए, हवाई सर्वेक्षण कर लिए जी। उसके बाद अब तक ऐसा कोई निर्देशित नहीं दिया गया है पदाधिकारी को कि जो बाढ़ क्षेत्र से जो प्रभावित पंचायत हुए हैं, जो गांव हुए हैं, कस्बे हुए हैं, शहर हुए हैं, उन पर क्या क्या फोकस करना चाहिए जी। ये तो पूर्व का ही गाइडलाइंस है जो जिला प्रशासन अपना काम कर रही है जी। बिल्कुल सर, कई ऑफिसर्स के मैंने मुंह से ये कहते हुए सुना है कि गांव अभी तक पूरी तरीके से बाढ़ से ग्रसित नहीं है, जिस वजह से हमने नहीं दिया। तो मेरा कहना है कि पूरा गांव ग्रसित नहीं है, लेकिन कई ऐसे वार्ड्स हैं, 4 वार्ड्स, 5 वार्ड्स या 6-7 वार्ड्स भी अगर ग्रसित हैं तो क्या उनको तो मिलना चाहिए ये जीआर राशि जो है? हम उस पदाधिकारी से पूछना चाहते हैं कि क्या पानी आता है तो ये पूछ के आता है कि हमको फल्ले के घर जाना है जी। वो जब पानी आती है तो पूरा क्षेत्र को भिगाते हुए आता है, अब बीच में अगर सूखा है जी तो उसको आप सूखा घोषित कर दीजिएगा। जब हम चारों तरफ से बाढ़ से ग्रसित है तो बाढ़ में प्रभावित है, हमको आने जाने के लिए खेत हमारा डूब गया, खलिहान हमारा डूब गया, घर हमारा डूब गया। ठीक है, घर में पानी नहीं गया तो आंगन में तो पानी है। बिल्कुल सर, हमें वो कठिनाई नहीं हुई, अभी पानी घट गई, गंदगी बदबू दे रहा। हम उस प्रशासन के अधिकारी से कहना चाहते हैं, जो ये सवाल जो आपसे आपने आपके जो पदाधिकारी आपको कहा, हम उससे कहना चाहते हैं कि आप बाढ़ में आके खटिया बिछा के थोड़ा बैठिए तो एक घंटा थोड़ा हवा लीजिए इसका गंदगी का, तब आपको पता चलेगा कि पानी आए कि ये गंदगी कहाँ से आई जी। बिल्कुल सर, हमारे इस तरह के कमेंट करने वाले पदाधिकारी की ये भाषा ठीक नहीं लगता जी। जी सर, हमारे बोरना पंचायत में भी कई वार्ड्स में पानी आ चुका था, कई वार्ड्स में घर में पानी घुस भी चुका है और हमारे सीओ साहब वहां गए भी थे, जबकि खुद उस समय पे 5-7 नाव चल रहे थे, उनके सामने की बात है, वो भी नाव पे बैठे हुए थे, लेकिन फिर इतनी देरी क्यों हो रही है उन क्षेत्रों को बाढ़ घोषित करने में? देखिए, हम कल भी सवाल जो आपसे आपने आपके जो पदाधिकारी आपको कहा, हम उससे कहना चाहते हैं कि आप बाढ़ में आके खटिया बिछा के थोड़ा बैठिए तो एक घंटा थोड़ा हवा लीजिए इसका गंदगी का, तब आपको पता चलेगा कि पानी आई कि ये गंदगी कहाँ से आई जी। बिल्कुल सर, हमारे इस तरह के कमेंट करने वाले पदाधिकारी ये भाषा ठीक नहीं लगता जी। जी सर, हमारे बोरना पंचायत में भी कई वार्ड्स में पानी आ चुका था, कई वार्ड्स में घर में पानी घुस भी चुका है और हमारे सीओ साहब वहां गए भी थे, जबकि खुद उस समय पे 5-7 नाव चल रहे थे, उनके सामने की बात है, वो भी नाव पे बैठे हुए थे, लेकिन फिर इतनी देरी क्यों हो रही है उन क्षेत्रों को बाढ़ घोषित करने में? देखिए, हम कल भी डीडीसी साहब से इस संदर्भ में पूछे थे कि सर जीआर राशि के विषय में कुछ बताया जाए, कुछ बताने से वो भी इनकार चले गए और अंचलाधिकारी गोगरी से इस पर हम बात किए कि सर जीआर राशि पर जनता लोग का आवाज बुलंद हो रहा है कि नहीं, इस बार क्यों नहीं मिल रहा है, तो हम लोग को ऐसा कोई जानकारी दीजिए ताकि हम आम पब्लिक को इसकी जानकारी दे सके। उनकी कहना हुआ कि राज्य सरकार या मतलब जिला प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई निर्देशित अभी सामने नहीं आया, जिसके कारण हम सूची कैसे लें, ये सूची लेंगे कैसे, राज्य सरकार तो अपने सरकार में व्यस्त है जी, पब्लिक पर उसको ध्यान कहाँ है, प्रशासन क्या है, सरकार का नौकर है, आप आदेश कीजिए प्रशासन काम करेगी। बिल्कुल, लेकिन अब बिहार की जनता को यह समझना होगा कि बाढ़ आवे तो बाढ़ से पहले सरकार अपन कमर कस ले, पब्लिक तो अपना कमर कस ही लेती है जी। बिल्कुल, इस बार आप बताइए कि जितने लोगों के घर में पानी गया वो जीवन बांध पर आके शरण लिए, क्या अधिकारी के लोग ये भी समझे कि वो अगर 50-25-30-40 या 100 आदमी अगर बांध पे आके शरण लिए तो उसे हम प्लास्टिक मुहैया कराए, वो भी उचित नहीं समझे। आप एक मेडिकल टीम को भेज देते हैं, जाइए गौ क्षेत्र में सुइया लीजिए, सुइया दीजिए जी, कोरोना वैक्सीन महामारी पर आपका ध्यान हो जाता है, गांव गांव में जाके वैक्सीन दीजिए। तो जैसे आप वैक्सीन को आप सफल बनाए, उसी तरह से आप बाढ़ प्रभावित लोगों को भी तो जीवन बचाइए जी। बिल्कुल,
सरपंच साहब, मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे पे आप पूरी ताकत से लड़ें। बिल्कुल, हम जो है इस मुद्दे पर अगर सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम ये चार पंचायत के लोग जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे जी, सरकार के खिलाफ जी, एकजुट होके इसकी गोलबंद नारेबाजी की जी। और मैं भी चाहता हूँ जो जेन्युइन लोग हैं उनको इनका इनका फायदा पहुंचे रियली में, जिस वार्ड्स में पानी घुसा है, जिनके घर में पानी गया है, जो लोग बांध पे आए आके रुके हैं, जिनकी गाय भैंसे बांध पे बंधी हुई हैं, उनको इनका फायदा पहुंचे। और आम आदमी करी पुकार इस मुद्दे पे आपका खुले तौर पर समर्थन करती है। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।